आप लोगों को बराबर में मेरे फोन का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा और यहाँ पे खाली जगह दिख रही होगी। एक्चुअली जगह खाली अभी है, पहले खाली जगह नहीं थी। यहाँ पे आता था फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर आप लगाते हैं ना, फिंगरप्रिंट लॉक लगाते हैं, वो वाला था यहाँ पे। और ये मेरे पास शोमी का MI 10i स्मार्टफोन है जो कि 22 से 23 हज़ार रुपये का आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले इसके अंदर हुआ क्या कि जो ये फिंगरप्रिंट लॉक वाला सेटिंग है ये आनी ही बंद होगी, मतलब ये गायब ही होगी भाई, आ ही नहीं रही है। और मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी चीज़ें यूट्यूब पे वीडियोस देखी, गूगल पे सर्च किया, शोमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, मैंने काफ़ी कुछ चेक किया, जिसके बाद मुझे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। और देखिए ये सारी जो प्रॉब्लम है शोमी के स्मार्टफोन्स में है, रेडमी में है, पोको में है, और भी शायद काफ़ी स्मार्टफोन्स में हो सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे शोमी और शोमी के सब ब्रांड्स की, जैसे कि शोमी, रेडमी, पोको, इनकी बात कर रहा हूँ आज की वीडियो में। और ये प्रॉब्लम आती क्यों है, कैसे सॉल्व होगी, बात करेंगे इन सभी के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित, और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों ये बात हो सकती है कि आपने मेरी वीडियो को देखने से पहले काफी सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, आपने सर्च वगैरह गूगल पे भी किया होगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं अगर मैं किसी चीज का सोल्यूशन आपको बता रहा हूं तो ऐसा बता दूं ताकि आप लोग को जरूरत ही ना पड़े कहीं जाने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं हुआ क्या, मतलब होता क्या, देखिए पहले बात करते हैं इस बारे में कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, क्योंकि मैं जितना मैंने सर्च किया जितना मुझे पता चला कि अगर आप अपने फोन को रिपेयर कराते हैं, ठीक है, अब मैं ये बात नहीं कहूंगा कि सर्विस सेंटर पर कराते हैं, अपने फोन को कहीं बाहर भी रिपेयर कराते हैं, सर्विस सेंटर पे कराते हैं, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, आपका फोन गिर गया है ना, सेंसर जो है या फिंगरप्रिंट सेंसर मान लीजिए साइड वाला है, तो वहां पे पानी चला गया, कुछ दिक्कतें आ गई है, कुछ वो गिर गया उस तरफ से, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है। और थर्ड जो है सॉफ्टवेयर इशू, यानी कि सॉफ्टवेयर में कोई बग है, कोई इशू है आपके, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो तीन इशू ये हो सकते हैं आपके फिंगरप्रिंट के गायब होने के। एक फोर्थ इशू और है, वो भी आपको बता दूं क्या, देखिए मैं कन्फर्म नहीं हूं, लेकिन जो मैंने देखा, जो सुना, जो जाना है वो मैं आपको चलिए बता देता हूं। लोग ये बोल रहे हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि भाई कुछ सालों बाद जब फोन की गारंटी वगारंटी खराब खत्म हो जाती है ना, तो ये जो शोमी कंपनी है और इसके जो सब ब्रांड है रेडमी और पोको, ये क्या करते हैं, जानबूझकर आपके फोन में से गायब करवा देते हैं किसको, फिंगरप्रिंट सेंसर को, ताकि आप लोग सर्विस सेंटर जाएं, पैसे दें और इसको फिर दोबारा से ठीक करवाएं। मतलब ये मेरा ओपिनियन नहीं है, लोग जो कह रहे हैं, जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको लगता है कि शोमी ऐसा कर सकती है या फिर ऐसा कर रही है। खैर इसको छोड़ते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। तो ये मैंने आपको बता दिया रीजन कि किस रीजन की वजह से आपके फोन के अंदर जो ये सेटिंग है ये पूरी ही गायब हो चुकी है, नहीं आ रही कहीं पे भी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्यूशन मैंने काफ़ी सारे ढूंढे भाई इसके, ठीक है, और मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी, मैंने गूगल पे भी सर्च किया और काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े, जिसके बाद अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लो, रिबूट कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने ट्राई किया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या बताया लोगों ने कि अपने फ़ोन की सेटिंग में जाओ, वहां जाने के बाद में करना क्या आप लोगों को कि ऐप्स के अंदर जाना है, वहां पे ऐप्स में आपको सर्च करना है फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करके, फिंगरप्रिंट टेस्ट है, वहां जाके सर्च कीजिए, उसका डाटा क्लियर कीजिए, फ़ोन को रिबूट कीजिए, सेटिंग आ जाएगी। मैंने ट्राई किया, मेरी नहीं आई। थर्ड किसी ने क्या बताया कि अपने फोन की सेटिंग में जाओ, ऐप्स में जाओ, ऐप्स में जाने के बाद सेटिंग टाइप कीजिए। जैसे आप सेटिंग सर्च करेंगे तो आप एक दो सेटिंग नाम से सेटिंग आती है और ऑप्शन आते हैं, है ना, ऐप्स के, उनका डाटा आपको क्लियर करना है, उसके बाद फिंगरप्रिंट टेस्ट का डाटा क्लियर करना है, फोन को रीसेट कर देना, सेटिंग आ जाएगी। मैंने वो भी ट्राई कर लिया, वो भी मेरे साथ नहीं हुआ। तो कुल मिला के सब मैंने टेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद एक कोड आता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, स्टार हैश करके, आप अगर वो कोड डायल करते हैं तो आपके फोन की CID सेटिंग खुल जाती है। एक्चुअली ये सेटिंग जो होती है ना, यहाँ पे आप अपने फोन के अलग अलग सेंसर्स को, स्पीकर्स को, काफ़ी सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं कि वो चल रही हैं प्रॉपर या नहीं चल रही हैं। एक्चुअली ये जो तरीका है ये एक ऑथेंटिकेट तरीका है, ठीक है, जो कि MI ने भी बताया। मैं आपको MI की वेबसाइट का भी वो दिखाने वाला हूँ, पूरा FAQ का सेक्शन दिखा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी शोमी ने भी यही बोला कि आप वहाँ पे जाइए, सब कुछ सबसे नीचे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट टेस्ट का, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे देखिए वो क्या दिखाता है, ठीक है। तो मेरे केस में जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे एक एरर शो कर रहा है मेरे फिंगरप्रिंट के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा फेल पास का कि भाई अगर वर्क करता है वो, आप मान लीजिए आपने उसके सेटिंग के अंदर गए, वहाँ पे वर्क प्रॉपरली कर रहा है, अब उसको पास कर दीजिए, अगर नहीं कर रहा तो फेल का ऑप्शन है, फेल पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ कि जब मैं फिंगरप्रिंट टेस्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो वहाँ पे पहले से वो एक एरर शो कर रहा है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा। तो जहाँ तक फिर मैंने उसके बाद फेल पे क्लिक किया, जब मैंने फेल पे क्लिक किया उसके बाद ये है कि फिंगरप्रिंट सेंसर आपको वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। अब जो मैंने आपको ये बताया ना, ये मैंने आपको बताया कि आपको ये नंबर डायल करना है, उसके बाद ये करना है, तो वो आप अपने आप कर सकते हैं। मैं आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा दूंगा सारी चीज़ें कैसे करनी है, आप टेस्ट करके देख लीजिए। अब टेस्ट करने के बाद में अगर आपका फिंगरप्रिंट पास हो जाता है, यानी कि पास लिख के आ जाता है, वर्क कर रहा है वहाँ पे वो, तो इसका मतलब यह है कि आपके फोन का हार्डवेयर खराब नहीं, यानी कि जो फिंगरप्रिंट लगा होता है ना फोन के साइड में, साइड वाला साइड माउंटेड है, फिर इन डिस्प्ले भी चलिए, तो वो जो मशीन मैकेनिज्म उसके अंदर लगा है वो खराब नहीं है, हार्डवेयर बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है और सॉफ्टवेयर इशू ही है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मेरा केस है, उसके अंदर वहां पे कोई एरर शो कर रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा और आपको फिर फेल पे क्लिक करना पड़ रहा है, दैट्स ऑल। इसका मतलब यह है कि जो
फिंगरप्रिंट सेंसर है वो खराब है, वो मतलब चेंज होने वाला है। कुल मिला के बात यह है कि भाई वो हार्डवेयर खराब है, सॉफ्टवेयर में इशू नहीं है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। अब देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि भाई Xiaomi ने बल्कि अपने ऑफिशियल पेज पर लिखा हुआ है, मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि पास हो जाता है उसके बाद प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर की, तो मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने अपने फोन को कभी अपडेट किया हो, कोई आपके फोन में अपडेट आया हो और उस अपडेट के बाद ये एक बग आ गया हो कि आपके फोन से फिंगरप्रिंट सेंसर की जो सेटिंग है, फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो सेटिंग है, वो गायब हो गई हो। ठीक है, इसके लिए कंपनी ने बोला है कि भाई आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, आपको न्यू अपडेट मिल जाएगा और अगर आप इसको फिक्स कराना चाहते हैं तो सर्विस सेंटर भी जाइए, वो लोग इसको देख के इसमें सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। लेकिन हाँ, अपना बैकअप पहले ले लेना, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल होता है सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए आप सेटिंग में जाते हो वो पास हो जाता है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर इशू है, आप वेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते आपको लगता है काफी टाइम हो गया, सर्विस सेंटर जाइए, सॉफ्टवेयर अपडेट करा लीजिए, उसके बाद में आपका फोन प्रॉपर वर्क करने लगेगा। ठीक है, पहला सॉल्यूशन मैंने बता दिया। और अब बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशन की, वो ये है कि अगर आपके फोन में भी एरर शो कर रहा है, जैसे मेरे फोन में कर रहा है, आप मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पे, अगर आपके फोन में भी सेम शो कर रहा है, कुछ भी एरर शो कर रहा है, कुल मिला के पास वो नहीं हो रहा है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क, मतलब सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, वो हार्डवेयर का इशू है, इसका मतलब ये है कि आपको फिंगरप्रिंट सेंसर ही चेंज कराना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका खराब हो चुका है फोन का, आप सर्विस सेंटर जाइए, वहाँ जाकर चेंज करा लीजिए। अब भाई सर्विस सेंटर जाना है किसी थर्ड पार्टी पर कराना है वो तो आपकी मर्जी है, मेरे फोन का खराब है। अब मैं इस फोन में तो 2-3 साल पुराना हो चुका है और मैं पैसे लगाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि भाई मेरा ठीक हो ना मैं ठीक करा रहा हूँ इसको, मुझे पता है हार्डवेयर खराब है, इसका जाके कराएंगे तो कुछ पैसे लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं तो जाके करा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नीड है, कराना चाहिए, फोन में है, यूज़ करना है, तो एक अच्छी बात है, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके इसको करा सकते हैं। दैट्स ऑल, मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे ठीक होगा, सॉफ्टवेयर वालों का इशू अलग है, हार्डवेयर वालों को अलग है, दोनों चीज़ मैंने आपको सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपनी वीडियो में अगर किसी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो ऐसा प्रॉपर बता दूँ ताकि आप लोगों को जाके फिर यूट्यूब पे सर्च ना करना पड़े दोबारा, और अगर इसके बाद भी आप लोग सर्च करेंगे ना भाई तो इससे बेटर कोई नहीं बताएगा, सब यही चीज़ें बताने वाले हैं, चाहे कितनी वीडियोज़ देख लीजिए। ऐसा कोई भी, अगर फोन का हार्डवेयर खराब है तो ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं है कि आप इसको जाके करेंगे और आपका फोन में प्रॉपर वर्क करने लगेगा, ऐसे कोई सेटिंग है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर सॉफ्टवेयर इशू है या कोई बग है तो मैंने आपको जो सेटिंग्स बताई हैं, है ना, अगर आप उनको ही फॉलो करते हैं तो मे बी चांसेस हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन अगर हार्डवेयर इशू है तो भाई वो ठीक नहीं होगा। आप कितने भी फोन की सेटिंग्स को डाटा क्लियर कर लीजिए, आप फिंगरप्रिंट टेस्ट की जो डाटा है उसको क्लियर कर लीजिए, फोन को रीबूट कर लीजिए, मतलब कितने भी तरह के ट्रोने टोट के कर लीजिए, लेकिन ठीक नहीं होगा, सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा, उसको रिपेयर कराना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया, Xiaomi का ऑफिशियल पेज दिखा दिया वेबसाइट का। अब इसके बाद भी अगर आप लोग सर्च करते हैं तो मुझे लगता है वो समझदारी वाली बात है, आप जाके इन सॉल्यूशन में से देखिए कि कौन सा आपके फोन पे सेट बैठता है, उसको ठीक करा लीजिए। दैट्स ऑल आज की वीडियो से, इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो भाई, 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो यार देखिए लाइक की बिना बिल्कुल मत जाना यार, लाइक से आपके हमारी जो मेहनत है वसूल हो जाती है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल, देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जैसे चैनल पर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो आएगी सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।